तस्वीर पे फाड़ रही है यहाँ पे। क्या प्राइस है? और हम लोग खड़े हैं पप्पू चाट भंडार के बगल में, जिसकी महक हमारे नाक को चीरते हुए चली जा रही है। कैसे आप सब? मेरा नाम है छवि त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं ब्लॉग करने वाली हूँ एंड इसमें आपको मैं शूटिंग एंड शॉपिंग और जो भी दिवाली की प्रेप्स हो रही हैं वो सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो यू गाइस कैन सी पीछे बैकड्रॉप हमें लगा है, बिकॉज हमें एक ब्रांड का शूट करना है और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, जिस मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें करनी है। सो मेरे घर में कल पूजा भी होने वाली है, सो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आप लोग को दिखाने के लिए। एंड मैंने अगस्त में लास्ट व्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया था, रक्षाबंधन का था, एंड मुझे बहुत सारी कंटेनर्स से रिक्वेस्ट आ रही थी। सो बीच में मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा मन ही नहीं लग रहा था बाकी, और मैं सारे काम करती बट ब्लॉग्स करना मैंने छोड़ दिया था। बट मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ एंड आई होप मुझे बहुत सारा प्यार मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या आप दिखाती हूँ आपको सब कुछ। सो दिस इज दी सेटअप, ये अभी हम शूट के लिए कर रहे हैं। इसमें साड़ी यूज़ करी है और स्ट्रिंग लाइट और सब कुछ, अभी हमने ब्लिंकेट जल्दी जल्दी मंगाया था, ये सब कुछ फॉर दिवाली हो रहा है। हमें बन रहा है दोपहर का लंच डोसा एंड ये कल की प्रिपरेशन हो रही है, कल क्योंकि मेरे घर में पूजा होने वाली है। गिफ्ट्स फॉर आर फैमिली मेम्बर्स, क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि अभी दिवाली में टाइम है, बट हमने पहले से मंगा लिया सो दैट चेक कर लें एंड सब कुछ देख लें कोई टूटा वगैरह तो नहीं है। और अभी हमने इसको ओपन करके रखा है एक साइड में और हम इसको अभी शिफ्ट कर देंगे रूम में। एंड अभी टीरा ब्यूटी का ही मुझे पैकेज रिसीव हुआ है, इसकी मुझे वीडियो करनी है, कुछ दिन बात करूँगी ऑफकोर्स, और फिर मैं आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगी एंड दिवाली का ब्लॉग भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड ऑल्सो गाइज, हमने न्यू एरिका पाम लिया है एंड इट्स अ ब्यूटिफुल एंड काफ़ी बड़ा सा और वेल ग्रोन प्लांट है। अभी हमारे पास काफ़ी सारे प्लांट्स हो गए हैं, वेस्ट कैन सी इधर भी रखे हुए हैं एंड बाहर तो हैं ही, और हमने न्यू प्लांटर्स भी लिए थे। सो वी ऑल लव प्लांट्स एंड अभी और भी लेने की प्लानिंग है। दिवाली में अच्छे से डेकोर करेंगे एंड आई विल शो यू गाइस एवरीथिंग। राइट नाउ आई एम डूइंग माय नेल्स और मैं पैसे बचा रही हूं, बहुत ही सस्ते मुझे नेल्स मिल गए थे, सब गिरा दिए मैंने। आई एम सॉरी बट यू गाइस कैन सी रिसेंटली मैंने ऐसे नेल्स कराए थे एंड मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे, मैंने वैसे ही चूज करके मंगा लिया, क्योंकि यार नेल्स बहुत डैमेज हो जाते हैं एंड उसके लिए मुझे स्पेशली जाना पड़ता है सैलून, फटाफट से इसको लगा लेना है। और इसके साथ काफ़ी सही चीज़ें मिली हैं एंड दीज आर जस्ट फॉर 100 समथिंग रुपीज़। मैं आप लोग को लिंक दे दूँगी, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट कर देना। तो अभी ये वाले जेल नेल्स हैं एंड दिस माई आउटफिट गाइस, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल आउटफिट, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऊपर से अच्छा नीचे से कच्चा। सो ये मेरा मिक्स एंड मैच करके मैंने आउटफिट बना लिया, क्योंकि यार मुझे अभी टीरा ब्यूटी का ये डब्बा आया है, इसका शूट करना है, इसीलिए मैं जुगाड़ कर रही हूँ, नेल्स कर रही हूँ अपने, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना आपको कैसा लग रहा है, बाकी और चीज़ें मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। एज वी आर डन विदाउट मेकअप, कल मैंने लाउडी की थी एब्जल लाइव में, कान जाना गई नहीं है मुझे, फुल फ्लैश मेकअप। आज दशहरा भी मेरा बन गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, काली कुर्ता पहन के नहीं, लग कैसी हुई जरूरत है ना। ऑल्सो लुक एट माई नेल्स, आई लुक सो प्रीटी, 191 रुपीज़ के इतने अच्छे नेल, फिनिश भी बहुत सुंदर आई है एंड दिस इज हाउ इन्फ्लुएंसर वर्क समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम। हम लोग बाहर जाते हैं तो नीचे पजामा पहन के जाते हैं यार, अभी पहन रखा है क्योंकि कम्फर्टेबल नहीं रहता है। राइट गाइस, सो आई जस्ट गॉट डन विद माई शूट एंड मैंने बहुत ही सुंदर सी साड़ी वाला एक हॉल किया है, प्रिटी प्रिटी सी साड़ीज़ हैं, कलरफुल साड़ीज़ हैं बांधने वाली, जो कि आपको हॉल में देखने को मिलेगा, प्लस आपको वाइटी शॉर्ट्स भी मिलेगा। छवि फैशन फाइन अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो प्लीज़ फॉलो कर लेना। अभी प्लान है हमारा दिवाली के लिए, हमें कुछ चीज़ें परचेज करनी है, मुझे एक रिंग भी बताई थी पंडित जी ने, वो भी लेनी है। ऑल्सो मंदिर के लिए भी हमें जाना है, काफ़ी टाइम से हम प्लान करते हैं, हमारा पुराना वाला मंदिर जो है वो ख़राब हो गया है, तो था प्लान नवरात्रि में लेने का, बट फाइनली आज हम जाने वाले हैं, मैं मम्मी और दीदी जा रहे हैं। सो मैं आप लोग को दिखाऊँगी जो भी चीज़ें हम परचेज करें। सो हम यहाँ पर मम्मी का वेट कर रहे हैं, हम लोग मार्केट में है, पता नहीं आप लोग को आवाज़ आ रही थी नहीं, और ये मेरी बहन सॉरी,
और मुझे लेनी है अंगूठी, मंदिर, और हमारे पास बड़ी सी लिस्ट है जो हमको परचेज करनी है। और हम लोग खड़े हैं पप्पू चाट भंडार के बगल में, जिसकी महक हमारे नाक को चीरते हुए चली जा रही है। और हमें टिक्की क्रेविंग हो रही है, आलू टिक्की अभी हम लोग खाएंगे। पहले शॉपिंग करेंगे, उसके बाद ठूसेंगे। आज मैं जिम नहीं गई हूँ, उससे पहले भी मैं जिम नहीं गई थी। ऐसे ही चल रहा है सब, फुल ऑन दिवाली की तैयारियाँ चल रही हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? मेरी बहन कुछ नहीं कहती है, कैमरा ऑफ हो जाता है तो मैं सब बोलती है। ये कितने की है, इसका क्या प्राइस है? सुंदर सुंदर से मंदिर है। राधे राधे, ओह माय गॉड, अच्छा लग रहा है भैया। मैडम आपको 8,200 रुपये का पड़ेगा। बहुत कम कर दिया आपने। पापा घूम के पापा चुके हैं वी मार्ट में, और यहाँ पे खुद चल रही है मम्मी की। और मम्मी मिली है मिला चिपक जाते हैं जो फ्लोर पे खिसकते हैं, वो ऐसे ऐसे हटते नहीं है। इंटरेस्टेड है ओल्डो का बैग लेके दिन भर घूमती रहती है। एक दिन पहले शूट करने आई थी तो यहाँ के जो एम्प्लॉई थे उन्होंने मुझे देख के पहचान लिया, तो मेरे से हाय करने आई थी। जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, उनके पीछे उनके साथ के थे, तो उन्होंने बोला अरे मैम का सीरियल है। मैंने कहा नहीं भैया मेरा इंस्टाग्राम। मैं इतनी खुश हो गई थी, क्या मेरा सीरियल है, ऐसे सीरियल बनाऊंगी। मेरा मुंह सुंदर है, ठीक है शराब। हेलो, अरे भाई साहब अगर इस लड़की को पता चल गया ना। मेरी बहन को तनु वैश्य मनु का मुंह चढ़ा है। मेरी बहन तस्वीरें फाड़ रही है यहाँ पे। खानदानी शॉपिंग नहीं खत्म हो पा रही, दिल इस पे आया है, सो वी आर बाइंग दिस मंदिर एंड इट्स प्रेटी। मंदिर लेके घर वापस आ चुके हैं, और हमने अभी से दिवाली की बहुत सारे डेकोरेटिव पीसेस ऑर्डर करे थे, तो ये उर्ली हमने मंगाई थी एंड इतनी अच्छी हमें रिसीव हुई है। इसकी पैकेजिंग वाज सो सो गुड, एंड अभी इसको मैं ओपन कर रही हूँ। हाँ, मीशो से मंगाई है, और बाकी डेकोर तो आपको मैं दिखाऊंगी, बट द क्वालिटी इज़ वेरी फाइन एंड गुड। होगा तो हम आपको इसकी लिंक दे देंगे, एंड ये बहुत ही बड़ा सा पॉट है, तो ये गोल्ड टोन में है, आप लोग देख ही सकते हो, एंड उसको डेकोर के लिए यूज़ करने वाले। सो वी आर ऑन द वे टू मॉल एंड वी आर गोइंग फॉर शूट। आई होप अच्छे से हो जाए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप हो गया था, एंड मैं भी अपनी दीदी के साथ हूँ, काफ़ी टाइम लग जाएगा। आई नो ये ब्रांड शूट्स काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक भी होते हैं। सो वी आर हेयर एंड आई होप आप लोग गेस कर सकते हो मैं किस ब्रांड में हूँ, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर शूट, एंड आई होप अच्छे से हो जाएगा मेरा शूट। इट्स गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक, एंड ये काफ़ी लंबा शूट होने वाला है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड कि बिहाइंड द सीन्स मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। एक बोल देती पहले, इट्स अ ऑफिशियल लंच ब्रेक टाइम, ये लंच नहीं हो रहा है, स्नैकिंग टाइम। यहाँ के स्टाफ से अपना इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करा लिया है। गाइस, सो वी आर डन विद शूट एंड अभी बज रहे हैं 7:45। हमने अराउंड 3 स्टार्ट किया था, एंड हम सब की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, इतनी बेकार सिस्टम है क्या ही बताएं गाइस। हम लोग बस फिसलते फिसलते बच रहे हैं।
यहाँ पे हो रहा है खेल, गिर जाएंगे यार आप लोग। बहुत मजे भी करे। एक बच्ची आई थी छोटी सी, उसने जो यहाँ पर हड़कंप भूकंप मचाया था वो हम बता भी नहीं सकते। पूरा स्टोर एक बच्ची के पीछे भाग रहा था। रात के 9 बज रहे हैं। पूरा दिन शूट करने के बाद हम अपनी सेकेंड मील खाने वाले हैं। सुबह अराउंड मैंने 11 बजे अपना ब्रेकफास्ट किया था और अब हम खाने जा रहे हैं खाना, जो कि यहाँ पे लगा। अभी दीदी कट कर रही है सैलड। इतनी गंदी भूख लगी है, मेरे दोनों पैरों में मतलब इतना दर्द, मुझे सदमा लग गया लिटरली। इतना हेक्टिक शूट, मैं आज पता नहीं कितने हज़ारों स्टेप्स चल चुकी होगी और बहुत भूख लगी है, बहुत तेज़ से भूख लगी है, नींद लगी है एकदम। आते ही सबसे पहले हम लोगों ने सुमो खाई है दवा, उसके बाद हमने किसी तरीके से अपना मेकअप रिमूव किया है, आउटफिट चेंज किए हैं, हाथ पैर धुले हैं, बहुत ही गंदी हालत है। और हम लोग खा पी के उसके बाद करेंगे रेस्ट। दिस इज़ आर होलसम फूड। हमें वहाँ पर भी फूड कोर्ट जाने का भी नहीं टाइम मिला था, सो वी ऑर्डर्ड फूड। दिस इज़ कढ़ाई पनीर, गार्लिक नान, जीरा राइस, सैलेड है। अब हम जा रहे हैं इसको इन्जॉय करने। ऊपर ही रखना पड़ेगा। ये कहाँ रखना है?